Everyone, so here is the video lecture on the antenna. This is the second video on the antenna topic. So here is the contents of the antenna: half wave, dipole antenna, grounded or Marconi antenna, ferrite rod antenna, antenna arrays, parasitic element, broadside array, infrared array, scanning array, Yagi-Uda antenna, and antenna as an open out transmission line. So these contents for the today's video. So let's start the video on this topic. So let's start. So सबसे पहले बात करेंगे हम एंटीना एरेज की. तो यहाँ पे चार तरह के एंटीना एरेज आपको दिखाए गए हैं: ब्रॉड साइड एरे, इनफायर एरे, स्कैनिंग एरे और पैरासिटिक एरे. सो एंटीना एरे को हम उस एंटीना के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें एक से अधिक रेडिएटिंग या कंडक्टिंग एलिमेंट का प्रयोग होता है. देखिए, एंटीना और एंटीना एरे में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि एंटीना जो होता है एक सिंगल एंटीना होता है, बल्कि एंटीना एरे जो होता है वो ग्रुप ऑफ एंटीनाज होते हैं. ग्रुप ऑफ एंटीनाज कैसे कह सकते हैं, कहने का मतलब उसमें जो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, जो रेडिएटिंग एलिमेंट होते हैं, जो हमारा इंटरसेप्ट करेंगे जो एलिमेंट या जो एलिमेंट हमारे ट्रांसमिट करेंगे, वो एलिमेंट एक से ज़्यादा की संख्या में जब कभी भी होते हैं तो ऐसे एंटीनास को हम एंटीना एरे कहते हैं. ठीक है, चलिए. यदि प्रयोग किए गए एलिमेंट्स की लेंथ एवं उनकी आभासी गैपिंग, आपस की जो गैपिंग होगी, समान है तो उसका लीनियर एरे कहेंगे, अथवा उसे नॉन लीनियर एरे कहा जाएगा. ठीक है, कब? जब उनके बीच की गैपिंग अगर सेम है तब उसे लीनियर एरे कहा जाएगा, अगर गैपिंग सेम नहीं है तो उसे नॉन लीनियर एरे कहा जाएगा. नेक्स्ट है, यदि एरे के सभी एलिमेंट्स को फीड करंट दी जा रही है, सारे एलिमेंट को, तो उसे एक्टिव एरे कहेंगे, और यदि एक भी एलिमेंट को हम फीड करंट नहीं दे रहे हैं तो उसे पैरासिटिक एरे कहते हैं. इस एलिमेंट को एरे की पैरासिटिक एलिमेंट कह सकते हैं. तो इस तरह से हम समझ गए चार चीज़ें हैं कि अगर उनके बीच की गैपिंग लीनियर है तो वो लीनियर एरे हो गया, नहीं लीनियर है तो नॉन लीनियर एरे हो गया, अगर हर एक एलिमेंट फीड करंट दी जा रही तो एक्टिव एरे हो गया, और अगर हर एक एलिमेंट को फीड करंट नहीं दी जा रही है तो उसे पैरासिटिक एरे कहेंगे, और जिस जिस को नहीं दी जा रही, जिस जिस एलिमेंट को फीड करंट नहीं दी जा रही, वो सारे को हम पैरासिटिक एलिमेंट कहेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड साइड एरे. ब्रॉड साइड एरे क्या है कि लीनियर एंटीना एरे का वह रूप जिसमें समस्त एंटीना एलिमेंट में फीड पॉइंट पर दी गई करंट का एम्पलीट्यूड एवं फेस सेम होता है, तो उसे ब्रॉड साइड एरे कहते हैं. लीनियर एंटीना एरे की बात की गई तो ऐसा एक एंटीना एरे होगा जिसके डिस्टेंसेस जो होंगे एलिमेंट्स के वो बराबर बराबर होंगे, और उन सारे, मतलब जो लीनियर एंटीना एरे हमारा हो गया, उस पे जो फीड पॉइंट होंगे हर एक एलिमेंट के, उन पर जो हम करंट दे रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड और फेज दोनों सेम होंगे, तो इस टाइप के एंटीना एरे को हम कहेंगे ब्रॉड साइड एंटीना एरे. नेक्स्ट है आपका इनफायर एरे. तो लीनियर एंटीना एरे का वह रूप जिसमें समस्त एंटीना एलिमेंट के फीड पॉइंट पर दी गई करंट का एम्पलीट्यूड तो समान होता है, परंतु उसमें प्रोग्रेसिव फेज डिफरेंस उपस्थित होता है, उसे इनफायर एरे कहते हैं. कहने का मतलब सेम होगा हमारा ब्रॉड साइड एरे की तरह कि लीनियर एंटीना एरे होगा, उनके बीच की गैपिंग सेम होगी, और वह समरूप होगा कि जिसमें उनके जो फीड करंट दी गई है फीड पॉइंट पर, उस करंट का एम्पलीट्यूड तो सेम है लेकिन जो फेज डिफरेंस है वो हमारा चेंज है, और कैसे चेंज है, प्रोग्रेसिव रूप में चेंज है. तो इस टाइप के एरे को हम कहेंगे इंडफायर एरे कहेंगे. देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है तीन एलिमेंट्स दिखाए गए हैं और इन पे फीड करंट दी गई है. देखिए, एक किसी एंटीना एरे का जिसमें I1, I2, I3 ये तीनों इक्वल हैं. अगर तीनों फीड करंट हमारी इक्वल इक्वल दी जा रही है और लीनियर नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क का हर एलिमेंट के बीच की दूरी हमारी बराबर है, और ये तीनों इन फेज हैं और इनका एम्पलीट्यूड इक्वल है, तो हम इस टाइप के एरे को कहेंगे ब्रॉड साइड एरे. और यदि इनके बीच का जो करंट है, जो फीड पॉइंट पे करंट दिया जा रहा तीनों को, ये मान लीजिए इक्वल दिया जा रहा, बट इनके तीनों करंट्स का जो फेज है, देखिए इसका फेज -90 degrees, इसका 0 degrees, इसका 90 degrees, मतलब ये तीनों आपस में 90 degrees फेज शिफ्टेड हैं, और किस टाइप के हैं, प्रोग्रेसिव हैं. देखिए, -90 से 0 हुआ, फिर 90 degrees हुआ, ये 90 degrees प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं,
तो इस टाइप का जो अगर हमारा कोई एरे होगा तो उसको हम बोलेंगे इंड फायर एरे बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके सामने दो रेडिएशन पैटर्न दिखाए गए हैं, पहला रेडिएशन पैटर्न है ब्रॉड साइड एरे का और दूसरा रेडिएशन पैटर्न है इंड फायर एरे का। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ब्रॉड साइड एरे का रेडिएशन पैटर्न, ये दोनों साइड होगा लेकिन ये एरे एक्सिस के पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, और रेडिएशन पैटर्न ऑफ इंड फायर एरे दिखाएगा ये एरे एक्सिस पर ही लाई करेगा एक दूसरे के 180 डिग्री फेस शिफ्टेड करते हुए। ये दोनों इसके एरे के जो है रेडिएशन पैटर्न आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सूच जो है कि फीड पॉइंट पर कनेक्शन को हम ध्यान में रखते हुए करंट फीडिंग में इस संभावित पाथ डिफरेंस के कारण उत्पन्न जो फेज डिफरेंस होगा उसको ध्यान में रखते हुए इंड फायर एरे अधिक प्रायोगिक एरे एंटीना होता है। इंड फायर एरे अधिक प्रायोगिक होता है क्योंकि जो उसका करंट की फीडिंग होती है वो संभावित पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफर कर देते हैं उसका, तो तीनों फेज डिफर के कारण उसका जो है एरिया जो है ज़्यादा कवर हो जाता है। इस वजह से हम प्रैक्टिकली जो है कौन सा यूज़ करते हैं इंड फायर एरे का, हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि एंटीना एरे की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग अथवा एरे एलिमेंट्स को दी गई फीड करंट के आयाम एवं फेज में परिवर्तन करते हुए एंटीना एरे के रेडिएशन पैटर्न को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमने इंड फायर एरे में देखा, उसको हमने उसके फेज को 90 डिग्री प्रोग्रेसिव करके तीनों एलिमेंट्स को सेम करंट दिया, लीनियर था, इस वजह से इंड फायर का हमने प्रैक्टिकली यूज ज़्यादा किया क्योंकि उसके रेडिएशन पैटर्न को हम ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं एज आवर यूज। तो ऐसा करने के लिए एंटीना सिस्टम का मैकेनिकल ओरिएंटेशन बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी एंटीना के लिए क्या होता था कि पहले के समय में होता था जब हमारा चैनल नहीं पकड़ता था तो हम एंटीना को हिलाते थे, वो यागी उड़ा एंटीना होता था, लेकिन इस तरह के एंटीना एरे होने पर उसका जो मैकेनिकल ओरिएंटेशन होता था, एक बार ओरिएंटेशन उसका सेट कर दें उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हमें उसका मैकेनिकल ओरिएंटेशन बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग मैकेनिकल ट्यूनिंग की अपेक्षा बहुत सरल है, ठीक है। तो मैकेनिकल ट्यूनिंग में प्रॉब्लम होती थी कि हम इधर उधर हिलाते थे उसको, कहीं पे किस जगह पे सिग्नल आ रहा वो हमें जो है मुश्किल होता था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग अगर हम कर देते तो उससे हमारा आसान हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्कैनिंग एरे की। तो यह एरे एक इंड फायर एरे का ही एक रूप है, बस भिन्नता यह है कि जहाँ पर प्रोग्रेसिव फेस शिफ्ट की दिशा एक साइक्लिक क्रम में रिपीट हो सकती है, जिसके एरे के रेडिएशन पैटर्न में मेजर लोब को हम दिए हुए क्षेत्रफल को टू फ्रो मोशन प्रदान करते हैं और स्कैनिंग प्रक्रिया में संपन्न करा सकते हैं, इसे स्कैनिंग एरे कहते हैं। देखिए स्कैनिंग एरे की बात आई तो सबसे पहले ध्यान आता है हमें किस बात की ध्यान आती है हमें सबसे पहले ध्यान आता है हमें रडार की बात ध्यान में आती है। रडार में क्या होता है, जो रडार का एंटीना होता है वो हमेशा टू फ्रो मूव करता रहता है और ये स्कैन करता रहता है कि किस डायरेक्शन में हमारा कोई टारगेट मूव कर रहा है या टारगेट हमारा आ रहा है। उसी तरह से हमारा स्कैनिंग एरिया है, यह एक तरह से इंड फायर एरे है। इंड फायर एरे होगा तीन बातें ध्यान में आएगी, इंड फायर एरे होने के लिए पहली बात तो उसको हमारा लीनियर होना चाहिए एरे को, उसके फीड करंट जो हर एलिमेंट में फीड करंट जा रही वो सेम जा रही होगी और उनका जो उनके फीड करंट का फेस शिफ्ट होगा वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए और चेंज होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव चेंज होनी चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट में इक्वल चेंजिंग होनी चाहिए। तो ये तीन बातें याद आई हमें इंड फायर एरे के से, तो यह भी एक इंड फायर एरे है स्कैनिंग एरे। बस बात इतना है कि इसका सारा रेडिएशन पैटर्न हम मेजर लोब को दिए गए क्षेत्रफल में मोशन करा के टू फ्रो मोशन मतलब ऑल डायरेक्शन में मूव करा के, जो जिसको हम स्कैनिंग भी कहते हैं, तो ये स्कैनिंग करा के हम इसको जो है फाइंड करा सकते हैं। तो इस टाइप के एरे को हम कहते हैं स्कैनिंग एरे। आगे हम देखते हैं बाइनोमियल एरे। तो बाइनोमियल एरे एक नॉन यूनिफॉर्म लीनियर एरे है, तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर से हमें स्पष्ट है कि इनके एलिमेंट्स के बीच की दूरी डिफर हो गई, जिसके एरे एलिमेंट्स को फीड की गई करंट का एम्पलीट्यूड उपयुक्त बाइनोमियल सीरीज के कोफिशिएंट के समतुल्य रखते हुए यह व्यवस्था दी जाती है कि मेजर लोब की एक्सिस पर अधिकतम स्ट्रेंथ प्राप्त हो एवं अन्य दिशाओं में रेडिएशन फील्ड को स्ट्रेंथ को सीमित किया जा सके और लोब की सिमेट्री को बनाए रखा जा सके। तो इससे आपका ये क्लियर हो जाता है क्या कि जो हमारा
पहली बात तो हमारा बायनोमियल एरे ये नॉन लीनियर है, इस वजह से डिस्टेंस गैपिंग हो गई, और इसका मेजर लोब के साइड इसका जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं ताकि हम एक ही दिशा में जो है ओमनी डायरेक्शनल ना हो के एक ही दिशा में जो है रेडिएशन फील्ड इसकी ज़्यादा हो, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो और उसकी लोब की इसकी सिमेट्री को बनाए रखा जा सके। तो इस वजह से जो है तो इसे हम जो कहते हैं बायनोमियल एरे कहते हैं। देखिए हम बात करेंगे यागी उड़ा एंटीना की। तो यागी उड़ा एंटीना जो पहले के समय में टीवी रिसीवर्स के लिए यूज़ किए जाते थे उसको हम यागी उड़ा एंटीना कहते थे, और ये कुछ इस फॉर्म में होते थे। देखिए ये कुछ इस फॉर्म में है और इसके तीन एलिमेंट्स हैं। इसको इस एलिमेंट को हम रिफ्लेक्टर बोलते थे। इसकी लंबाई जो होती थी वो 0.55 लेमडा होती थी, और इसके बाद होता था ड्रिवन एलिमेंट। ड्रिवन एलिमेंट पर हम फीड करंट देते थे और इसकी लंबाई जो होती थी हमारी, आगे होता है हमारा डायरेक्टर होता था, इसकी लंबाई 0.45 लेमडा होती थी और यह डायरेक्टर का काम करता था, इसको हम डायरेक्टर बोलते थे। और इन सबके बीच में देखिए लीनियर एरे होता था, इस वजह से इनके बीच की जो दूरी होती थी वो लेमडा बाई 10 की होती थी, और कुछ इस प्रकार से रेडिएशन पैटर्न होता था यागी उड़ा एंटीना का। तो और ब्रीफ में जानते हैं यागी उड़ा एंटीना के बारे में। देखिए यागी उड़ा एंटीना का दूसरा फिगर भी आपको दिखाया गया, डायरेक्टर है, फोल्डेड डाइपोल है और ये रिफ्लेक्टर है। इसको हमने उस फिगर से इसको उल्टे करके रख दिया है। तीन बातें याद आती हैं कि जो हमारा फोल्डेड डाइपोल है इसके बीच में, ए बी के बीच में हम जो है, चलिए इसमें देखिए जो फोल्डेड डाइपोल है आपका ड्रिवन एलिमेंट है। ड्रिवन एलिमेंट का मतलब ए और बी के बीच में जो हम करंट फीड करेंगे ये आपका यागी उड़ा एंटीना एरे है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्लेक्टर एंड जो डायरेक्टर है इसका, ये पैरासिटिक एलिमेंट है। पैरासिटिक एलिमेंट उस एलिमेंट्स को कहते थे जिसमें कोई भी करंट फीड नहीं की जा सकती थी, और ए बी के बीच में हम फीड पॉइंट ऑफ ड्रिवन एलिमेंट, ए बी के बीच में हम जो है ड्रिवन एलिमेंट का फीड पॉइंट यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं ड्रिवन एलिमेंट के बारे में और पैरासिटिक एलिमेंट जो यागी उड़ा एंटीना में लगे होते हैं और क्या है मेन फीचर्स ऑफ यागी उड़ा एंटीना, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया देखिए ड्रिवन एलिमेंट, यागी एंटीना में ड्रिवन एलिमेंट के रूप में एक फोल्डेड डाइपोल यूज किया था जैसा कि आपने फिगर में देखा, और फोल्डेड डाइपोल एक ऐसा एंटीना होता है कि जिसमें दो एलिमेंट होते हैं और इनमें से एक कंटिन्यूअस रॉड तथा दूसरे मध्य में स्प्लिट फोल्डेड डाइपोल का रेडिएशन पैटर्न के साधारण डाइपोल के समान, किंतु इसे इनपुट इम्पीडेंस के लिए बैंडविड्थ इसकी हाई होती है। तो इस तरह से यूज होता है हमारा ड्रिवन एलिमेंट। आगे हम देखते हैं पैरासिटिक एलिमेंट के लिए, हमारा पैरासिटिक एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर का यूज किया जाता है, और मेन फीचर्स ऑफ यागी उड़ा एंटीना देखते हैं कि अधिक डायरेक्टर्स लगाकर यागी उड़ा एंटीना की डायरेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और दूसरा है कि यागी एंटीना में फोल्डेड डाइपोल को ड्रिवन एलिमेंट के रूप में एंटीना का टर्मिनल इम्पीडेंस बढ़ाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, और थर्ड है कि इसमें VHF रेंज प्रयुक्त किया जाता, मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रेंज जानी हो तो एंटीना का पिछला वीडियो देखे, उसमें हमने सारी फ्रीक्वेंसी रेंजेस बताई हुई है, और हाई डायरेक्टिविटी के कारण पॉइंट टू पॉइंट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, किसमें एंटीना, यागी उड़ा एंटीना में। तो ये रही बातें यागी उड़ा एंटीना की। आगे देखते हैं हम यहाँ पर हाफ वेव लेमडा बाई टू डाइपोल एंटीना के बारे में। तो यहाँ पे आपका हाफ वेव डाइपोल एंटीना को दिखाया गया है जिसमें से देखिए ये आपका लेमडा बाई फोर और लेमडा बाई फोर ये दोनों मिला के लेमडा बाई टू हाफ वेव डाइपोल की जो है हमारा डिस्टेंस जो है पूरा यूज़ करते हैं। फिर देखिए हम इसको क्या कहते हैं कि हाफ वेव डाइपोल जो है एक रेजोनेंट एंटीना होता है, रेजोनेंट एंटीना जिसकी लंबाई 1/2 लेमडा की होती है, कब, कैरियर फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। और वोल्टेज और धारा का जो वितरण होता है वो स्टैंडिंग वेव के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे आपको वोल्टेज और धारा का जो वितरण है ये दिखाया गया है। और तीसरी बात है इसमें कि जो सेक्शन को हम पूरा कंप्लीट अगर ऐड करते हैं तो लेमडा बाई फोर प्लस लेमडा बाई फोर को ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारा जो एडिशन ऑफ सेक्शंस होंगे तो वो कुछ इस प्रकार होंगे, लेमडा बाई फोर प्लस लेमडा बाई फोर इज इक्वल टू लेमडा बाई टू, और रेडिएशन पैटर्न ऑफ हाफ वेव डाइपोल एंटीना आर सोन इन द फिगर। तो कुछ इस तरह से इसका रेडिएशन पैटर्न होगा, और इसको हम हर्ट्ज एंटीना भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जानते हैं कि यह हाफ वेव एंटीना इज अ फंडामेंटल रेडियो एंटीना ऑफ मेटल रॉड आर थिन वायर विच हैज अ फिजिकल लेंथ ऑफ हाफ वेव लेंथ इन फ्री स्पेस एट फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। लेमडा बाई टू एंटीना या हाफ वेव एंटीना इज ऑल्सो नोन एज द हर्ट्ज एंटीना। तो ये बातें रही आपकी हाफ वेव डाइपोल एंटीना के बारे में। नेक्स्ट हम जानते हैं ग्राउंडेड
अ मार्कोनी एंटीना। तो व्हाट इज द ग्राउंडेड अ मार्कोनी एंटीना, कि यदि कोई एंटीना ग्राउंडेड के निकट होता है तो ग्राउंड पर एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, जब ग्राउंड के पास होगा कोई एंटीना, तो एंटीना के नीचे उसकी मिरर इमेज बन जाती है, अतः किसी दूर स्थित ऑब्जर्वर को डायरेक्ट वेव के साथ साथ एक रिफ्लेक्टेड वेव भी मिलती है, जो कि पृथ्वी की सतह से नीचे एंटीना की इमेज से आती हुई प्रतीत होती है, होती नहीं है वो प्रतीत होती है, आभासी होती है। अतः ग्राउंड की एंटीना रेडिएशन पैटर्न डायरेक्ट तथा रिफ्लेक्टेड वेव के रेडिएशन का वेक्टर सम होता है, ठीक है। अतः ग्राउंडेड एंटीना वास्तविक एंटीना के दोगुने साइज की तरह व्यवहार करता है। दोगुना साइज का मतलब एक तो एंटीना की साइज यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन लगता है दूर से कोई अगर देख रहा है ऑब्जर्वर तो उसकी इमेज भी उसको वहाँ से लगती है, इस वजह से टोटल लेंथ इसको लगता है कि इतना ज़्यादा है, ठीक है। अधिकांश मीडियम फ्रिक्वेंसी एंटीना ग्राउंडेड वर्टिकल एंटीना की श्रेणी में आते हैं। और ये हुई बात आपकी ग्राउंडेड एंटीना के बारे में, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा, एंटीना एज ओपेंड आउट ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए यहाँ पे आपको तीन चार फिगर दिखाए गए हैं एंटीना एज ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन। देखिए सबसे पहले हाई फ्रिक्वेंसी के एसी सोर्स को यहाँ पे ड्रिवन एलिमेंट पे दिया गया है और इसको हमने ओपन सर्किट कर दिया। देखिए यहाँ से ओपन है, टू वायर पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन को हमने दे दिया है, ठीक है। फिर देखिए दूसरे फिगर में हम देखते हैं वही काम है, हमने इसको ओपन कर दिया है इसके दोनों पैरेलल वायर ट्रांसमिशन को। नेक्स्ट हमने इसको भी फीड पॉइंट पे दे दिया, ए बी जो फीड पॉइंट कहाँ पर लगे हुए थे, हमारे यागी डो एंटीना पे लगे हुए थे। तो देखिए इसका एक फिगर और देख लीजिए, फीड पॉइंट में कुछ इस तरह से हमारा फ्लो ऑफ होगा इस तरह से, और इनका ई लाइन इस तरह से बनेगा, प्लस टू निगेटिव। देखिए ई लाइन बनेगी और ए बी से होगा आई मीन, और फीड पॉइंट आई मैक्स होगा। आगे देखिए समझते हैं कि उपरोक्त दर्शाए गए चित्र से स्पष्ट है कि एंटीना को हम एक ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन के रूप में दर्शाते हुए सिद्ध कर सकते हैं कि बनने वाले ड्राइपोल स्ट्रक्चर बेसिक एंटीना के रूप में कार्य करते हुए इनपुट पर दी हुई हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट को सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएट करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रत्येक पॉजिटिव चार्ज में प्रारंभ होकर निगेटिव चार्ज तक होती है। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारी होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, निगेटिव चार्ज तक, जैसा कि हमने ई लाइन में देखा था। अतः जो फिगर ए के अनुरूप प्रत्येक कम्प्लीट एसी साइकिल के अंत में हाफ वेव डाइपोल एंटीना के दोनों तरफ वर्टिकल प्लेन के इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स उत्पन्न होंगी, जो अगली साइकिल में उत्पन्न इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रिपल्सिव के कारण स्पेस में फैलती हैं। तो ये रही बात जो फिगर ए हमने देखा था उसके आधार पर। फिर इसी क्रम में एंटीना के आर्म्स पर प्रवाहित होने वाली धारा के आधार पर फ्लेमिंग्स रूल द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ज्ञात कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि एंटीना सराउंडिंग स्पेस में किसी भी बिंदु पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की परिभाषा के अनुसार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। ये तो पता है हमें कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की परिभाषा के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड के और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उपरोक्त वर्णित हाफ वेव डाइपोल एंटीना जो हमने अभी पढ़ा, हर्ट्ज एंटीना भी कहते हैं, उसके सिरों पर ए और बी पे धारा का मान मिनिमम एवं सेंटर फीड पॉइंट पर करंट का मान मैक्सिमम होता है, तथा इसे हम हाफ वेव डाइपोल भी कहना हमें तर्कसंगत लगता है, ठीक है। देखिए एक टॉपिक छूट रहा था फेराइट एंटीना के बारे में। तो ये आपका फेराइट एंटीना का कुछ तरह से कंस्ट्रक्शन है। तो फेराइट एंटीना का ये देखिए क्वाइल इस पे लपेटा गया और एक फेराइट की रॉड है, तो इसके बारे में जानते हैं। फेराइट रॉड एंटीना एक लूप एंटीना होता है जिसमें तार के एक या अधिक फेरों को फेराइट रॉड पर लपेटा जाता है। फेराइट एक चुंबकीय पदार्थ होता है, यह आयरन ऑक्साइड तथा किसी दो संयोजकता वाले धातु आयन के ऑक्साइड और डाइवेलेंट मेटल आयन के मिक्सचर से बनता है, और इसका रासायनिक फार्मूला MFe2O4 होता है, जहां M कोई भी दो संयोजकता वाली धातु जैसे मैग्नीशियम Mn, CoNi, ZnCu इत्यादि हो सकता है। और जैसा कि हमें पता है फेराइट एक जो है चुंबकीय पदार्थ होता है और इसकी जो है परमियाबिलिटी हाई होती है,
और प्रतिरोधकता भी इसकी हाई होती है, रेजिस्टिविटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होती है। इसकी उच्च फ्रीक्वेंसी पर ईडी करंट नगण्य होती है, मतलब कि ईडी करंट बहुत ही कम होती है। तो फेराइट एंटीना में प्रयुक्त फेराइट रॉड 1/4 से 1/2 इंच डायमीटर के होते हैं। जिसका रॉड की डायमीटर है वो या तो 1/4 या तो 1/2 इंच की होती है। और नेक्स्ट है छोटे आकार के कारण इसका पोर्टेबल रिसीवरों में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसका देखिए आकार बहुत छोटा होता है। और इसकी डायरेक्टिव होने के कारण दिशा ढूंढने वाले जो है एप्लीकेशंस में जो है डायरेक्शन फाइंडिंग एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जाता। तो ये रही बात फेराइट एंटीना की। तो ये रही बात आपकी जो है एंटीना के वीडियो सेकंड का जो लेक्चर सीरीज था, जिसमें हमने इन कंटेंट्स के को कवर किया। अगले वीडियो में हम एंटीना के ऊपर और जो कंटेंट्स थोड़ा बहुत बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे। आपको जो एंटीना के ऊपर जो भी कंटेंट छूट गया है अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।